यही गलती हम आगे करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक आपको चीज बताई थी, नॉर्मल पासिस थ्रू एंड नॉर्मल एड, इसमें डिफरेंस बताया था ना। अगर नॉर्मल एड होता तो मैं 0.12 को मैं x1 y1 देती, यहां पर क्या कहा है नॉर्मल पासिस थ्रू। यही एग्जाम में होता है, हम जल्दी जल्दी में वो वर्ड को देखते नहीं है। जब मैंने टेंजेंट नॉर्मल आपको स्टार्ट करवाया था तो मैंने ये स्टार्टिंग में वर्ड बताया था कि अगर एट है तो हमने x1 y1 की वैल्यू 1 2 लेनी है, अगर पासिस थ्रू है तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी ये मिस्टेक हो जाती है, हमने dy/dx लिया 100%, जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये 2x/4, ये x/2 हुआ था, ये टेंजेंट का स्लोप थी, और अगर मैं नॉर्मल की स्लोप लेती हूँ बेटा तो ये -2/x होती है। अब पॉइंट हमने 1 2 नहीं लेना, रीजन नॉर्मल 1 2 पे नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल पास कर रहा है। मान लीजिए आपके पास ये कर्व है, ये लीजिए सपोज ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल 1 2 से पास कर रहा है तो ये 1 2 पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि ये 1 2 ये है ना। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि लेट नॉर्मल जो है एट पॉइंट x1 y1, अगर x1 y1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो कितनी हो गई, -2x1, यही हुई कि नहीं हुई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे, y-y1 इज इक्वल टू स्लोप जो है इनटू x-x1, यही होगा। अब बेटा देखिए ये नॉर्मल उसने कहा है मेरे पास स्लोप यहां पर, कि ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 1.2 से। अगर ये पास कर रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। x1 y1 की नहीं लेनी, ये बात आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, वही गलती आज हम करने लगे। ठीक है, तो दैट मीन कि मैंने अभी यहां पर क्या करना है बेटा, व्हाट आई हैव टू डू, 2 -y1 इज इक्वल टू -2/x1, 1 -x1। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहां पर भी दो वेरिएबल है, मीन्स मेरे पास x1 भी है y1 भी है, तो मैं कैसे निकालू, एक में निकालूंगी चेंज करूंगी तभी x1 y1 की वैल्यू होगी। जो पॉइंट x1 y1 है वो इस कर्व पे तो भी लाई करेगा कि नहीं करेगा, तो दैट मीन्स मेरे पास इसको भी सेटिस्फाई कराऊं तो x1² 4y1 होगा कि नहीं। अब मैं किसी एक की वैल्यू रिप्लेस कर दू, मैं क्या करूं, स्केयर तो है नहीं, मैं y1 की वैल्यू रिप्लेस कर दू। जब मैंने y1 की वैल्यू रिप्लेस की 2 - y1 की जगह x1² 4 - 2x1 1 - x1, अब देखो सारा x1 में आ गया, आया क्या नहीं, वैल्यू निकल सकती है ना x1 की, 2 आए तो 2 एक्सेप्ट करो, दोनों में से अगर बाय चांस, यहां पर कोई केस नहीं होता कि रिजेक्ट होने की बात, चाहे 0 आए जो मर्जी आए, तो 2 वैल्यूज आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 ही क्या आएंगे फिर, वाई आएंगे, पॉइंट्स आ गए। तो मैंने क्या करना था, टेंजेंट की जो है मेरे पास जो है नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, तो दैट मींस अपने आप मेरे पास लिखी जाएगी, क्योंकि मेरा एम क्या है, सिर्फ x1 y1 निकालना। तो मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर x1 और y1 पुट करूंगी 2 केसेस से, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की बन जाएगी। ओके जी, ये कभी नहीं करना जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, क्या किया जल्दी जल्दी में, पढ़ा ही नहीं कि वो वर्ड क्या था, पासिस थ्रू नॉर्मल एट नहीं लिखा था। ओके बेटा, दोनों में डिफरेंस पता चल गया सबको, चलू आगे बेटा, 100% क्लैरिटी होगी कि क्या गलती की थी हमने, चलो बेटा। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल 46, एग्जाम्पल 46 देखिए बेटा, ये भी बाकियों से डिफरेंट है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. अब उसने कहा कि मेरे पास इक्वेशन जो है टेंजेंट की लिखी है और मुझे दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन जो है इक्वल टू टू पाई विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. अब देखिए उसने कहा टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है जो इस लाइन के पैरेलल है, बट बेटा मेरे को ना पॉइंट नहीं दिया हुआ यहाँ. फिर वही कि हम टेंजेंट की इक्वेशन तभी लिख सकते हैं अगर मुझे x1 y1 गिवन हो, ओनली देन वी आर एबल टू राइट. तो वो कहां से निकालें? हम बिल्कुल स्लोप, हम यहां से स्लोप ले सकते हैं. अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है डी वाई बाय डी एक्स, मेरे पास जो है क्या आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव, मेरे पास क्या होता है दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई, बट हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, साथ में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स. अब क्या करें अगर स्लोप निकालनी है बेटा, तो डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म को क्या कर लें, कलेक्ट कर लें एक साइड. तो उसके लिए मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगी, माइनस साइन एक्स प्लस वाई और इधर माइनस साइन मेरे पास हो गए एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स. ओके जी, इधर भी डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म है, इन दोनों को क्या कर लें कंबाइन कर लें. तो जब कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म क्या बन जाती है डी वाई बाय डी एक्स वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई. हाँ जी, इसको नीचे ले दो तो मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई ओवर वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई. ओके बेटा, अब मुझे दिया हुआ था कि ये वाली जो लाइन है जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो. तो बेटा यहां से स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन की, क्योंकि दैट इज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, तो वो माइनस वन बाय टू होगी. ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों को क्या कर दें इक्वेट कर दें. अब मैं दोनों को इक्वेट कर रही हूँ, जब मैंने दोनों को इक्वेट किया तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या आया जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस वन बाय टू इज माइनस साइन एक्स प्लस वाई ओवर वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई. हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया बेटा दैट इज वन प्लस साइन एक्स प्लस वाई. हाँ जी, इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वाई. हाँ जी, इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दू तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वन इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई. हाँ जी बेटा, अब साइन की वैल्यू मेरे पास जो है बेसिकली वन, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू वन. हम हमेशा जर्नल लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अगर होता ना जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई मुझे पता है एक या दो वैल्यूज होंगे, यहाँ माइनस टू पाई टू टू पाई, पूरा सर्कल हमने घुमाना है. तो हम जर्नल लिखेंगे, आपको ये पता है कि साइन ये थीटा वन कब होता है जब साइन पाई बाय टू होता है कि नहीं. तो यहां से बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई. अब ध्यान से देखना बेटा, मैं ये रब करने लगी हूं, इसमें क्या डिफरेंस है आगे बताऊंगी मैं आपको, अभी तक बिल्कुल सेम चल रहा है. अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई बेटा, तो मेरे पास जो है ये पूरा एक्स है, एक्स किसके इक्वल होता है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर जो है मेरे पास एन और वाई एंगल जो यहां पर हो. अब प्रॉब्लम क्या है, यहां तो मेरे पास जो वैल्यू है वो किसमें आ रही है एक्स प्लस वाई में आ रही है कि नहीं आ रही. मेरे पास स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू
कॉस्ट हो गए एक्स प्लस वाई, दिया हुआ है कि नहीं? इस एक्स प्लस वाई की जगह मैं ये सारी वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन फर्स्ट में। आज तक हमने ऐसा नहीं किया, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमारा सीधा यहाँ से वैल्यू निकल जाती थी, निकलती थी कि नहीं? ये हमने प्लस वन में किया हुआ है ना। हाँ, ये फॉर्मूला ये होता है बेटा कि अगर मेरे पास साइन अल्फा, चलो मैं थीटा से कर देती हूँ ताकि तुम्हें, इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन जो है वो जो यहाँ पर होता है अल्फा, ये फॉर्म। जर्नल हमने फॉर्म्स नहीं की थी, बाद में डिलीट हुआ था ना, हमने आपको कॉम्प्लेक्स में, मेरी बात सुन, कॉम्प्लेक्स में हमने तब आपको कहा था, हमें पता कि डिलीट हो गया था, बट कॉम्प्लेक्स में तीनों वैल्यूज मैंने आपको कराई थी, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन बीटा, ये तीनों करने ही पड़ेंगे क्योंकि जर्नल फॉर्म हमारे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन में यूज होते, ठीक है? अगर नहीं पता चलता आपको तो मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको माइनस टू पाई से लेकर टू पाई तक सारे केसेस के अलग अलग लिखोगे, प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर क्या है, हम क्या करें, जनरल फॉर्मूला याद करें, कोई मुश्किल नहीं है। ये कैसे आया मैं आपको फिर बताती हूँ। आपको पता है कि साइन के किसी भी एंगल पे वैल्यू वन किस पे होती है, एक पाई बाय टू पे और किस पे होती है, क्या करते हो पाई पाई करते हो ना, एन पाई पीरियोडिसिटी कहते हैं, टू एन पाई पीरियोडिसिटी होती है, एन पाई किस में होती है, टेन में होती है, हम टू पाई टू पाई टू पाई ऐड करते हैं, उसमें फिर वैल्यू सेम आनी शुरू होते हैं, साइन और कॉस में टू पाई और टेन में पाई होती है। तो वो चीज इतना याद करने की बजाय, क्योंकि यहाँ एज इट इज वैल्यू यूज होगी तो मुझे ये जनरल फॉर्मूला लर्न करना है, और प्लस वन में भी आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स में हमने आपको वो तीनों फॉर्मूले दो तो कराए थे साइन कॉस, ठीक है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है? अगर वहां पर डिलीट नहीं, कोई बात नहीं, आप तो करो अब लर्न, यूज होना है तो लर्न करना ही। चलो आगे बेटा, पता चल गया, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है यहां पर बेटा, अब मैं क्या करूं, ये रब करने लगी हूं, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस। अब ये x प्लस वाई मैं यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n पाई बाय टू, और आपको ये पता है कि मेरे पास जो हमेशा ये जो n है दैट बिलोंग्स टू द इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर को बिलोंग। अब जरा इसको सॉल्व करना, अगर मेरे पास जो आया कि y इज इक्वल टू cos भी था ना, हाँ जी वो रहेगा। अब आप यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करके देखी जाओ, आपके लिए बता रही हूँ, वैसे बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई एक वैल्यू, सपोज मैंने एन की वैल्यू जीरो पुट की, सपोज इंटीजर्स में जीरो आता है ना, ये चला गया, ये पावर वन होगी है ना, माइनस वन की पावर जीरो वन, कॉस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो। वन पुट करके देखो, पाई प्लस माइनस हो गया, पाई माइनस पाई बाय टू कितना आया, पाई बाय टू, फिर क्या आया, कॉस पाई बाय टू, आंसर कितना आया, जीरो। थ्री पुट करके देख लो, थ्री पाई प्लस मेरे पास, हाँ जी माइनस पाई बाय टू, थ्री पाई माइनस पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, ऑट मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू कॉस क्या होता है, जीरो ही होता है, तब भी जीरो, यानी दिस कम्स टू बी जीरो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू सेट। जब आपको डायरेक्टली कभी ना पता चले तो क्या करो, एक दो वैल्यूज पुट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है, सब में जीरो जीरो आ रहा है, तो दैट मींस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, जीरो। अब देखो एक्स टी निकली नहीं, वाई जीरो आ गया, मुझे पता है वाई जीरो आ गया ना, अब मैं y जीरो पुट करूंगी तो x का ये आया ना, यही चीज बनी ना, x इज n पाई
प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाय टू, बट मुझे x की कंडीशन क्या दी है, मैंने कौन कौन से लेने हैं, माइनस टू पाई और टू पाई के बीच में। अब पुट शुरू करो, अब n की वैल्यू जीरो पुट करोगे, जब आप जीरो पुट करोगे यहां पर क्या आया, माइनस जो है पाई बाय टू, चेक करो कि क्या वो मेरी रेंज में आता है कि नहीं आता, आपने देखना है कि अगर आता है तो एक्सेप्ट करते जाओ, नहीं आता तो रिजेक्ट करते जाओ। पाई बाय टू आया मेरा इसमें, अगर आप एन जीरो लेते हो तो एक्स कितना आया, पाई बाय टू, पाई बाय टू इसमें लाई करता है, करता है ना, एक्सेप्टेड। अब अगला क्या करो, आपने जीरो पुट किया था, एक वन पुट करो, वन पुट करोगे तो ये पाई, हाँ जी माइनस पाई बाय टू, ये फिर क्या आ रहा है, पाई बाय टू, हम ले चुके हैं। टू पुट करो, जब तुमने टू पुट किया, टू पाई, ये खत्म हो गया, हाँ जी टू पाई प्लस पाई बाय टू, ये इंक्रीज ही होगा ना, टू पाई से बढ़ेगा ही ना, जैसे जैसे आगे जाऊंगी वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी मुझे पुट करने की आगे कोई जरूरत नहीं। अब नेगेटिव की तरफ आ जाओ, क्योंकि n क्या है, इंटीजर्स है कि नहीं है। अब मैं माइनस वन पुट करूंगी, जब मैं माइनस वन पुट करूंगी, माइनस पाई बाय टू कितना बना, माइनस थ्री पाई बाय टू, वो इसी के बीच में लाई करता है ना, माइनस 360 के पहले माइनस 270 आता है, तो एक्सेप्ट होगा, यानी एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पाई बाय टू भी एक्सेप्ट होगी। उससे आगे जाओगे ना तो वो माइनस टू पाई को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं। तो यानी सिर्फ दो वैल्यूज हैं जिसमें वाई जीरो जीरो ही है, इन दो पॉइंट्स पे मेरे पास हो गए, मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल, जो भी आपसे पूछा, समझ आई, ये बिल्कुल डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं किया कि x प्लस वाई निकली एज इट इज, इसमें पुट करके y के कोऑर्डिनेट्स निकला है, मेथड वही। अगर देखा जाए जब हम इस लोग डी होती थी, हम कहते थे टेंजेंट जैसे पिछला नॉर्मल है तो ये पॉइंट इस कर्व पे भी लाई करता है, वो पॉइंट निकालना पुट तो कर्व में ही, कॉन्सेप्ट वही है बट हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। बात क्लियर हुई, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट। प्रभु रसिका क्लियर है बेटा, कनुबा आप सबको बेटा, चले आगे, ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कहा गया है, जो भी कहा वो निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जी, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मेरे पास हो गए एफ ऑफ एक्स कितना आया, 3/10 एक्स पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। करना क्या बेटा, सबसे पहले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ले, हाँ जी 12/10 एक्स 3 माइनस मेरे पास 12x² / 5 माइनस 6x प्लस 36/5। हाँ जी कुछ कॉमन निकलता है तो निकालना, हाँ जी कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाता है ना, 6/5 ले ले कॉमन, अंदर क्या रह गया, हाँ जी 5 ले लिया, यहाँ 2/2 कट गया ना, एक्स क्यूब, ओके जी, हाँ जी यहाँ से 2x², यहाँ पर बेटा मेरे पास 5x बचेगा, देख लो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 कटेगा तभी माइनस 6x बचेगा, 5 नीचे था ही नहीं, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 नीचे कॉमन लिया बेटा, ठीक है ना, मेरे पास 5 आ गया प्लस 6। अब प्रॉब्लम आती है ये क्यूबिक बन गया फैक्टर्स बनाने के लिए, तो जब भी ऐसे क्यूबिक आए हम हिट एंड ट्रायल से
एक निकाल लेते, डिवाइड के बजाय भी एक और मेथड होता है ऑनर्स मेथड, हम ग्रेजुएशन में करती हैं वैसे फैक्टर बनाने के लिए। नहीं ऑनर्स मेथड मुझे नहीं लगता कभी आपने किया होगा, नहीं किया, कभी भी नहीं किया, वो ग्रेजुएशन में फैक्टर्स ढूंढने के लिए करते हैं। आप लॉन्ग डिवीजन कर लो आपको आती है, हमें कोई प्रॉब्लम, हाँ जी बिल्कुल जी। चलो हम फैक्टर्स पहले एक बार कर लें, जब मैं वन पुट करती हूँ सेटिस्फाई कर रहा है ना, सिक्स प्लस वन सेवन, माइनस टू माइनस फाइव सेवन, माइनस सेवन जीरो, एक फैक्टर मिल गया। एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने पे सेटिस्फाई हुआ, यानी एक्स माइनस वन से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके अब मेरे पास हो गए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसको इससे किया माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स साइन चेंज, हाँ जी सेवन एक्स प्लस सिक्स, चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, माइनस मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक की है, हाँ जी कोई हो ही नहीं सकता कि ऐसे आ जाए, हाँ जी यस 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 लो जी, हाँ जी माइनस, तो ये हो गया मेरे पास माइनस और प्लस ये कैंसिल, अब ये किया तो मेरे पास क्या बचेगा यहां पर, माइनस प्लस एक्स माइनस सिक्स। देखो गलती अपने आप पता लग जाती है कोई भी मिस्टेक हो तो, मेरे पास जो है यहाँ माइनस तो क्या हो गया माइनस सिक्स एक्स और प्लस एक्स प्लस और ये कैंसर, ठीक है ना, क्योंकि कैंसर नहीं हो रहे थे तो मेरे को पता चल गया कि कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक है। सिक्स बाय फाइव एक एक्स माइनस वन आया, अब इसके देखें तो मेरे पास क्या बनेगा, हाँ जी एक्स माइनस नो ओके यस माइनस थ्री और एक्स प्लस टू, बिल्कुल सही है एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू। ओके जी तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा फैक्टर्स कौन से बने, सिक्स बाय फाइव ये सारे, अब मैं इसको डायरेक्टली नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, अब ध्यान से वन थ्री इधर माइनस टू इधर, ओके जी यहाँ इनफिनिटी यहाँ माइनस इनफिनिटी, कोई नेगेटिव तो कॉमन लिया ही नहीं हमने, कुछ जो टेंशन वाली बात है पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जहां जहां नेगेटिव है डिक्रीजिंग, जहां जहां पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, और मेरे पास जो है क्योंकि वर्ड स्ट्रिक्टली जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और वैसे भी ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, इस पे हमेशा क्या आता है ओपन आता है, मैं बार बार ये वर्ड कह रही हूँ, एक दो जगह पे बुक पे सॉल्व एग्जाम पुरानी बुक्स में, नई का मुझे पता नहीं है कि वो करेक्शन हो चुकी है कि नहीं, मैंने करवाई भी थी साइन कॉज वाले क्वेश्चन में, तो प्लीज आप उस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। हाँ जी ओपन आनी, क्योंकि यहाँ कोई इंटरवल तो दिया ही नहीं, तो वहां पर जब इंटरवल दिया ही नहीं है तब अंदर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी, चाहे इंटरवल दिया नहीं दिया, क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं ना उस पे कभी भी क्लोज्ड नहीं आते, क्यों, क्योंकि इस क्रिटिकल पॉइंट पर वो नेचर चेंज करते हैं, तो वो ना तो तुम इधर ले सकते हो ना तुम इधर ले सकते हो, जैसे हम कहते हैं टीनेज बच्चे है ना, कई बार कोई बड़ों की बात होती है हम कहते हैं तुम अभी बड़े नहीं हुए है ना, तो जब तुम कोई छोटे बच्चों वाली हरकतें करते हो तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अब तुम छोटे नहीं है गे, तो ना तुम इधर के ना तुम उधर के, तो इसीलिए वो हम कहीं पे भी नहीं लेते हैं, ना छोटों में ना बड़ों में, सेम क्रिटिकल पॉइंट्स का हाल हो। ओके जी चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 48, एग्जाम्पल 48 बेटा, शो दैट द फंक्शन जो है
मेरे पास गिवन बाय एफ ऑफ एक्स दैट इज टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द ओपन इंटरवल जीरो टू पाई बाय फोर। अब फिर वही बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहां पर डेरिवेटिव लेंगे। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी बेटा एफ डैश एक्स, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहां बता रहा एक्स नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव साथ में चलेगा। तो लेट अस सी, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, बिल्कुल मैं ये रब करने लगी हूं, इनटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, वन, वन प्लस वन टू, यानी इस सारे की जगह पे कहना ही राइट टू, हाँ जी। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर, मेरे पास यहां से टू कॉमन ले ले, टू कॉमन नहीं लेना जैसे मर्जी, टू प्लस साइन टू एक्स लिख दे इसको, ठीक है ना। अब बेटा जीरो टू पाई बाय टू पे इसने हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना करें इन्हें, है ना। अब जीरो टू पाई बाय टू पे कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है, यानी ये टर्म भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। तो सारा फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, और जीरो कभी नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने इक्वल टू नहीं लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। रीजन, जीरो क्यों नहीं इंक्लूड हो सकता, क्योंकि अगर मैं जीरो लेती हूँ है ना, तो ये जीरो बाय वो मैं चीज नहीं ले रही, मेन हाईएस्ट वैल्यू पाई बाय फोर, तो मैं पाई बाय फोर लूंगी, तो कॉस पाई बाय फोर माइनस साइन पाई बाय फोर जीरो होता है, मैं पाई बाय फोर इंक्लूड ही नहीं कर रही, इसीलिए मैंने यहाँ इक्वल टू जीरो लिया ही, क्योंकि मुझे क्या लेना था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वहां पर क्लियर कट क्या दिया हुआ है, ओपन ब्रैकेट से, क्योंकि एक ही वैल्यू है पाई बाय फोर पे, जिसका आंसर यहाँ पर क्या बन सकता है, जीरो। जीरो पे तो आपको पता ही है ये कॉस जीरो, ये माइनस साइन जीरो, यहाँ पर वन ही बना, मैंने वो लेना ही नहीं, उस पर पॉजिटिव ही रहना है, ओपन इंटरवल ही है मेरा जीरो टू पाई बाय फोर। ओके, समझ आ गई बेटा, सारा चैप्टर रिकॉल हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल 49। Example 49 is see here. हाँ जी, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड, मेरे पास ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेस, रेट वाला क्वेश्चन है ये भी सिलेबस में नहीं है, जहां पर आ गया ना इंक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 0.05 दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस बेटा। ओके जी, तो दैट मींस एग्जांपल 49 इज आल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स मेरे पास दिया हुआ है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ एक्सरसाइज, हम ऑलरेडी दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, तो दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल 51, नॉट इन द सिलेबस, रेट चेंज पे गए, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट जो गए मेरे पास, नहीं एग्जाम्पल 51 सॉरी बेटा, मैक्सिमा मिनिमा पे वो हम करेंगे, और इजी है क्योंकि नंबर है ना, आप खुद ट्राई करोगे
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने जो स्टार्ट करवाना है मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर मैं 8 ऑनवर्ड कराऊंगी, ओके, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास इजी वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू डू योर सेल्फ, ओके। टिल देन गुड बाय।